बॉलीवुड में नेपोटिज्म जब से शुरू हुआ है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जहां एक जगह से वो खत्म नहीं हो रहा, वहीं से दूसरी तरफ से ये मुद्दा और गरमाया जा रहा है। यानी कि मैं बात कर रही हूँ टीवी इंडस्ट्री की। बॉलीवुड के बाद अब टीवी इंडस्ट्री भी खुल के बात करनी शुरू कर दी है। क्या हुआ है पूरा माजरा बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। दोस्तों, जब से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, उसके बाद से नेपोटिज्म का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा गर्मा गया है। इससे पहले भी कंगना रनावत काफी बार नेपोटिज्म को लेके बात कर चुकी है। करण जौहर के शो पर उन्होंने करण जौहर को बोला था कि नेपोटिज्म तुमने ही शुरुआत की है इसकी। लेकिन अब जो है टीवी इंडस्ट्री से भी लोग जो है बातें करने लग गए हैं। आपकी सबसे फेवरेट FIR की चंद्रमुखी चौटाला यानी कि कविता कौशिक जो है, उन्होंने इस बात को लेके बात की। उन्होंने कहा नेपोटिज्म, स्टारगेट्स, ये कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा असलियत में ये होता है कि जिस तरीके से प्रोड्यूसर्स जो डायरेक्टर जो होते हैं अपनी चीजों को लेके दादागिरी करते हैं। कोई एक रोल एक बार कर लिया तो उसके बाद में उस कैरेक्टर को दोबारा करने ही नहीं देते हैं। उन्होंने एक के बाद एक सोशल मीडिया ट्विटर पर जो है अपनी कई सारी बातें रखी। उन्होंने ये कहा कि वो चंद्रमुखी चौटाला का किरदार निभा रही थी FIR में, लेकिन उसके बाद जब वो उसी से रिलेटेड, एक कैरेक्टर से रिलेटेड जब वो फिल्म में काम करने की सोच रही है, तो उसके प्रोड्यूसर्स ने शो बंद होने के बावजूद भी उन पर केस करने की धमकी दी है। जब उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश करी और उन्होंने कहा कि जब आप एक मराठी पुलिस वाले को मतलब मराठी पुलिस वाले का जो आइडिया था उसको हरियाणवी पुलिस वाले में कन्वर्ट करने वाला आइडिया जो था वो कविता का था, तो कविता को इस बात का ये रिप्लाई दिया कि आपको उसके लिए पैसा दिया गया था। यानी कि जैसे ही वो कहीं और काम करने की सोच रही है या उस कैरेक्टर के बारे में सोच रही है, तो उनको उस चीज के लिए धमकियां दी जा रही है और वो कैरेक्टर जो है उन्हें नहीं प्ले करने दिया जा रहा। शो की इतनी डिमांड होने के बावजूद भी इस शो का दूसरा सीजन भी नहीं लाया जा रहा। अब ऐसे में कविता जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि जिस तरीके के वो रोल्स करना चाहती है उस तरीके के रोल्स उन्हें करने नहीं दिए जा रहे। यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्ट जो है वो उनके पास में फिलहाल नहीं है। अब टीवी इंडस्ट्री अगर इस तरीके से खुल के बात करनी शुरू करेगी तो हो सकता है कि एक के बाद एक और भी चीजें बाहर आती है। शुरुआत कविता कौशिक ने की है, अब हो सकता है कि और भी कोई सामने आए। वेल, क्या कहना चाहेंगे इस खबर के बारे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।